को भी आज बैठक होने वाली है। दो अहम बैठकें आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेने वाले हैं। वहीं अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9000 को पार कर गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को भी कोर ग्रुप और मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ मैराथन बैठक कर फीडबैक लिया। सरकार अब प्रदेश व्यापी कर्फ्यू सहित दूसरी पाबंदियां बढ़ाने पर विचार कर रही है। रविवार दोपहर 12 बजे यानी कि आज सीएमआर में कैबिनेट और उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक होगी। शाम 5 बजे सीएम ने ओपन बैठक बुलाई है जिसमें कोरोना रोकथाम के अगले कदम के बारे में चर्चा की जाएगी। ओपन बैठक में यह तय होगा कि कौन सी नई पाबंदियां लगानी है, वीकेंड कर्फ्यू का दायरा बढ़ेगा या नहीं। कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के दिन बढ़ाए जा सकते हैं। सिरोही से चिंताजनक खबर आपको बता दें, जिला कलेक्टर, एडीएम और तहसीलदार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब प्रशासनिक अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं संक्रमण की लहर में। कल आई रिपोर्ट में सिरोही एसडीएम पॉजिटिव आए थे। अब तक जिला मुख्यालय के चारों बड़े प्रशासनिक अधिकारी पॉजिटिव आ चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव आए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को होम आइसोलेट किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने यह जानकारी दी है, यानी संक्रमण की जद में अब अधिकारी भी आते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सुनील आचार्य जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए सिरोही से। सुनील, अब संक्रमण की जद में कहीं ना कहीं अधिकारी भी साफ तौर पर आते हुए नजर आ रहे हैं। चार बड़े प्रशासनिक अधिकारी कोरोना संक्रमण की जद में आ गए हैं, होम आइसोलेट इन्हें किया गया है। अब इस बारे में क्या अपडेट है, क्या जानकारी है सुनील? बताना चाहूंगा, सिरोही जिले की दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या में प्रगति हो रही है और काफी संख्या में मरीज आ रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण यह है कि सिरोही की जो टेस्टिंग लैब थी वो पिछले 8 दिन से बंद पड़ी है और लोगों के जो सैंपल्स लिए गए थे 11 तारीख के सैंपल्स की भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही क्योंकि अभी जो टेस्टिंग हो रही है वो जोधपुर इनके सैंपल भेज के आ रहे हैं, तो अभी सबसे बड़ी बात है कि सिरोही जिले के जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और कई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर से प्रशासन का बड़ा महकमा अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो आम जन को इसकी क्या समस्या का सामना करना पड़ सकता है? जी आशीष जी, बिल्कुल। एहतियातन किस तरह के कदम सुनील उठाए गए हैं, क्यों क्या वहां जो जिला कलेक्टर का जो परिसर है उसको सैनिटाइज किया गया है? एडीएम कार्यालय को, तहसीलदार के कार्यालय को क्या सैनिटाइज किया गया है? बिल्कुल, अभी क्योंकि कल ही इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है आला अधिकारियों की, उसके बाद पूरे जिले के अंदर हड़कंप मच गया है कि इस तरह कोरोना अपना जो पैर फसा रहा है। उसके देखते हुए ये जरूर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है जो गुजरात से लगता हुआ है, उनको टेस्टिंग बढ़ाई गई है। उनके जो आने वाले जो लोग हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनकी नाम पते नोट करके उनको आगे की इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जहां भी रहे आप क्वारंटाइन के रूप में रहे। सबसे बड़ी बात है अभी इस तरह की जो, क्योंकि कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है वो कलेक्ट्रेट के अंदर आया है, तो कलेक्टर को तो आज उसको सैनिटाइज करने का जो इनका प्लान है आज सैनिटाइज करेंगे। और उसके साथ साथ क्योंकि कलेक्टर सिरोही का जो कलेक्टर ऑफिस है उसके अंदर न्यायिक अधिकारी, एसपी, सारे के सारे कंबाइन ऑफिस के अंदर है, तो उधर भी कोरोना के अधिकारी क्योंकि जिनके सैंपल्स हैं वो पॉजिटिव आए। और सिरोही जिला कलेक्टर जो है इन दिनों काफी एक्टिव मोड में थे, वो डोर टू डोर जा रहे थे, बाजारों की गश्त कर रहे थे, उनकी पूरी टीम कर दी, आज वो पूरी टीम कोरोना पॉजिटिव हो गई है। तो इससे कहीं ना कहीं लेकिन इस जो गति जो मिली थी प्रशासनिक अधिकारियों के जो काम कर रहा था उसके ऊपर जरूर थोड़ा सा ड्रॉबैक सेटबैक जरूर दिखेगा।